ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। भैया आज आप और भाभी हमारे बीच में होते तो आपको भी अपने बच्चों को देखकर गर्व महसूस होता। मैंने आपकी दोनों बेटियों को आपके ही उसूल और संस्कार दिए हैं भैया। इतनी नेक और सीधी बच्चियां, वाह, नए जमाने की इनको हवा ना लगे इसके लिए मुझे सख्त होना पड़ता है। क्या करूं भैया, जमाना बहुत खराब है और इन्हीं सख्तियों की वजह से ही आज वो इतनी सांस्कारिक बनी है। बस भैया इन दोनों बेटियों की अच्छी जगह शादी करवा दूं तो मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। गहना और पायल कहाँ है? वो तो सो गई है। बड़ी जल्दी सो गई। चलो वो सो गई हैं तो हम अपने हजार मंत्र पूरे कर लेते हैं। बड़े सुशील बच्चियां हैं। ढगला लागली कर पानी थीम थीम कर। समय पर न करने की वजह से आपकी सेवा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है, जिसके लिए हमें खेद है। खेत में खलिहान साली घंटी का गोपा जा रही है फिर। अच्छा ये उन प्रोफेसर का क्या हुआ, उन्हें लाने कौन गया? हाँ सर वो बेहतर में, सॉरी सर, वो अभी हो जाएगा सर। एक बात याद रखो, अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारा डिमोशन कर दूंगा। नहीं नहीं सर, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा सर, मैं देख लेगा ना सर। हेलो सर, सर कॉइन भी नहीं रखते लगते। वो प्रोफेसर को लेने कौन जा रहा है? वो सर आप चले जाइए ना साहब, मैं थाना संभाल लूंगा साहब। जल्दी चमा आएगा, थाना किधर जाने वाला है? थाना इधर ही रहने का, थाने को आए को संभालने का। तू जा रेलवे स्टेशन पे जा, प्रोफेसर को पकड़ने तो प्रोफेसर चला जाएगा। जा रहा हूँ सर, जा रहा हूँ। प्रोफेसर आए? हाँ प्रोफेसर दुबे। मिस्टर पांगे और तावड़े कहीं दिखाई नहीं पड़े, कहाँ गए? ये लोग सामने खड़े हैं, आइए पूछते हैं उनसे। एक्सक्यूज मी, बैग में गम तो नहीं है? बोले बाबू ले। प्रोफेसर फ्रॉम दिल्ली। तुम? I am senior inspector from Janki Nagar police station. Thank you very much. Your name? My name is Tofik. Tofik. And my assistant Mr. Chotelal. तुम पुलिस वाले नहीं लगते? हाँ, हमारे माथे पे लिखा है हम पुलिस वाले नहीं लगते। जी, क्योंकि पुलिस वाले कभी इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। क्या ना कि हम बहुत ही ऊंचे घराने के लोग। ऊंचे घराने? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। लेकिन हमें तो पांगे और तावड़े रिसीव करने के लिए आने वाले थे। वो पांगे और तावड़े का प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ मुफ्त का खाना मिला टूट पड़ते हो। कल रात को भी पार्टी थी, ऐसे क्यों लोगों ने इतना खाया दबा के पेट खराब हो गया। यार खाना मुफ्त का पेट तो अपना ही है, घूमते ही खाएं, पुलिस वाले हैं ना। अब ऐसा एक दिन नहीं होता, हर तीसरे दिन होता है। वो लोग वहाँ जाते हैं, ड्यूटी हम लोगों को बजानी पड़ती है। अच्छा ये बताइए ASI कितनी दूर है यहाँ से? बस यहाँ से पास हम खंडर है, उसके अंदर। खंडर? खंडर खंडर के आसपास, अंडर खंडर अंडर। चलिए चलिए चलिए, रास्ता खाली करो। पांच चक्कर हो गए, सच सच बताओ। एक और चक्कर लगाए तो लड़का पराया हो जाए। तो आप लोग प्रोफेसर, तुम लोग क्या मेरे को उल्लू बावड़त समझता है? शक्ल से तो नहीं लग रहे हो। हाँ, अरे अकल से भी नहीं है, नाम बल भी रहे तो क्या हुआ। मेरे को धोखा देना आसान नहीं है। तुम लोग फ्रॉड सब जानते हैं। हाँ? नहीं नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं आप? प्रोफेसर आ चुके, सवाल ही नहीं पैदा होता, इतनी जल्दी पहुँच ही नहीं सकते। हाँ एकदम, कानून सबूत मांगता है। इतने बड़े घराने के सबूत से सबूत मांगते हो, बदतमीज। घराना नचियों का होता बे। जानता हूँ तू क्या सोच रहा है, हम लोग को अंदर लेके चलो, सब कुछ मामला साफ हो जाएगा, कौन प्रोफेसर है और कौन फ्रॉड। अच्छा सोचो मत ले चलो। सोचो मत ले चलो। चलो, चलो।
पुलिस है। ये तो बोली तेन दे ना। कौन है आप लोग? प्रोफेसर प्रोफेसर अंग्रेजी बोल। लिसन व्हेयर द हेल यू आर डिसअपीयर फ्रॉम हियर। वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टू डू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? खराब हो गया घराना। हां यार ये क्या बात हुई? नहीं समझा। बात बात सब हो गई। अब एसीपी को बुलाओ, वही फैसला करेंगे। चोरों को चोरी सिखाते हैं। अरे थैंक यू वेरी मच सब। ये चाकू तलवार लेते तो अच्छा होता। थैंक यू क्या तेल लगाने? नक्शा किधर? जल्दी मत कर। नक्शा हाँ इधर। थैंक यू। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? कुछ करना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब 1930 में यही डब्बा मिला था ना? अच्छा अच्छा ये वो है। सारे लोग अंधे हो गए थे जिसको देखकर। कमाल की बात है यार, मैं तो डर गया था जब मैंने पढ़ा। नहीं 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 मेहताज साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेरे बीबी बच्चे हैं, मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मैं जाता हूँ। अरे प्रोफेसर अभी क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, हमारे देश के लिए हमें ये करना पड़ेगा। नहीं नहीं देश के लिए थोड़ा थोड़ा सा खोल के इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? मेहता साहब मैं कुछ भी कर सकता हूँ देश के लिए, लेकिन मैं देश के लिए अंधा नहीं हो सकता हूँ। अंधा? चश्मा तो लाया। चश्मा? हाँ चश्मा तो है। ये रहा चश्मा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ लेकिन आप लोग भी अपने अपने चश्मे पहन लीजिए। चश्मा पहन लो भाई, सब लोग अपने अपने चश्मे पहन लो। बहुत रिस्क। चश्मा नहीं लाए? लो 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 मेहता साहब हमें माफ करो, बगैर चश्मे की पुलिस खड़ी हुई यहाँ पे। देखिए मैं जानता नहीं इन लोगों को। आप तो धीरज के। एक मिनट भाई, चश्मा लेके आता है। और तुम लोग सब लोग ये मुंडी घुमा के उधर खड़े रहो आंख बंद करके। कानून अंधा हो सकता है? घूम जाओ। पुलिस वाला अंधा नहीं होना। मैं चश्मा लेके आता है। करेक्ट। क्या साइज है? कोई भी साइज चलेगा। माइंड ब्लोइंग। मैं चश्मा लेके आता हूं। ये कौन है वाले? आंख बंद, फूट जाएगी फिर क्या सेवा करोगे? नौकरी भी चली जाएगी। तो पकड़ो निकल यहां से। जब तक हम लोग ना बोले तब तक एक भी आदमी नहीं खोलेगा आंख। नहीं खोलेगा। ए चश्मा लाया है? बहुत पहन ना फिर। ए कौन है? हम प्रोफेसर हैं। अभी भी साला तावड़े तुम लोग को इतना मारा है फिर भी बोलता है हम प्रोफेसर है। हाँ। ये शक्ल सूरत सब चेंज हो गया है, ये जवान से बुड्ढा हो गया है फिर भी बोलता है हम प्रोफेसर है। हाँ इंस्पेक्टर, हम प्रोफेसर ही हैं। कौन इंस्पेक्टर? मैं डॉक्टर है, इंजीनियर है, कार ड्राइवर है, मैकेनिक है, इंस्पेक्टर नहीं है। जैसे तुम प्रोफेसर नहीं है, समझा? एक मिनट फोन आयला। चम्मा आयला मोबाइल है। हाँ जीजू। ये दोनों जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, यस सर, ये दोनों असली प्रोफेसर हैं। इन्हें ठीक चलने दे। इस बार कोई गलती हो गई तुम्हारा डिमोशन पक्का। हाँ समझ गए। अरे कहाँ गए वो दोनों? अरे मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, अरे वो चश्मे वाले कहाँ गए अंधो? टोपी पहना गए। जीजू अब टोपी बदलेंगे। बस तो ठीक है, इसे ही फाइनल कर दीजिए। अरे लेकिन आयु 21 वर्ष, रंग गेहुआ, कद 5'2". पिछले 10 दिनों से गायब है। सूचना देने वाले को इनाम के साथ साथ किराया भी दिया जाएगा। ये क्या हरकत है? जब जब भी मैं तुम लोगों की शादी की बात करता हूँ तुम लोग ऐसे ही बच्चे जैसे बातें करते हो। अंकल हमने आपसे एक बार कह दिया ना कि हम शादी नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, खुशी से या नाराजगी से। अच्छा तो अब जबरदस्ती करेंगे? करनी पड़ेगी तो ठीक है, हम भी देखेंगे। चलो जल्दी चलो पायल।